Hey guys, welcome back to our new vlog. तो guys, hope करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो guys, आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम NS 200 के ब्रेक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि ABS और नॉन ABS होने वाली है। नॉन ABS मेरी सेंटा है एंड ABS हमने कहीं से बाइक अरेंज करवा रखी है भाई की। तो काफी ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है इस समय रोड पे एंड आप लोग अपना सेंटा चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे अपना सेंटा खड़ा है एंड अतुल भाई ने एक बाइक अरेंज करा रखी है, वो खड़ी है। एंड तो गाइज अभी हम लोग ऐसा करने वाले हैं, हम लोग एक लाइन खींचने वाले हैं रोड पे और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ब्रेकिंग करेंगे। देखते हैं नॉन ABS गाड़ी कितनी दूर पे रुकती है और ABS गाड़ी कितनी दूर पे रुकती है। तो अभी व्लॉग स्टार्ट हो, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी आप लोगों को मिलता हूँ। अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी अपने सेंटा पे सबसे पहले हम नॉन ABS वाला ट्राई करने वाले हैं। मुझे पता है इसमें थोड़ी बहुत स्टॉपी वगैरह लग जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेगी बिकॉज ABS है। तो आई डोंट नो, अब रिजल्ट देखते हैं जैसा भी होगा। तो गाइज ये लाइन हमने यहाँ पे खींच दी है एंड अभी वहाँ से अतुल एक बार अपनी NS 200 लेके आ रहा है एंड चेक कर रहा है वो। अभी ये वाला डेमो होने वाला है ट्रायल, तो एक बार चेक करेंगे वहाँ से ये लाइन दिख रही है नहीं दिख रही है। ये लाइन कितने की स्पीड थी? 60। तो होप करता हूँ लाइन ये वाली दिख रही होगी। तो अब मैं जाता हूँ उस NS 200 पे एंड तब आप लोगों को पूरे चेक करेंगे, प्रॉपर ब्रेकिंग अच्छे से करके दिखाऊंगा। मतलब ऐसा अभी इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सच में। मतलब पहले थोड़ा बहुत ट्रैफिक खाली होने देते हैं, देन उसके बाद हम लोग ब्रेक टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस अभी कुछ सीन ऐसा है, अगर 80 की स्पीड में इतने डिस्टेंस में कवर कर पाया तो ठीक है, अदरवाइज मैं 60 की ब्रेकिंग पे, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर पे ब्रेकिंग करूंगा। तो जैसा भी सीन होगा मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा दूंगा। तो बाइक गाइस 60 की स्पीड में थी। तो अब डिस्टेंस देखते हैं कितना डिस्टेंस दिया इसने। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कदम के आसपास इसने डिस्टेंस लिया। एक बार और ट्राई करते हैं इसको रोकने की, मैं इतनी अच्छी ब्रेक नहीं मार पाया था, इस बार थोड़ा और अच्छे से ट्राई करूंगा। 60 की स्पीड पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं गाइस। गाइस हम दोनों गाड़ियों से 3 बार ट्राई करने वाले हैं, एक बार हो चुका है, 2 बार और ट्राई करेंगे, देन उसके बाद BS6 वर्जन लेके आएंगे अपना। गाइज इस बार आप लोग डिस्टेंस चेक कर सकते हो कितना है, एक बार प्रॉपर काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 तो गाइज इस बार दो कदम का फर्क आया, सीधा 4 कदम पहले रुक गई है, मतलब 2 कदम पहले रुक गई है, 4 स्टेप ओनली आगे बढ़ी। तो इस बार लास्ट ट्राई करते हैं और हार्ड ब्रेकिंग करेंगे। आप लोगों ने चेक करा होगा टायरों में से भी आवाज आ गई थी, तो एक और ट्राई करते हैं गाइज अभी। तो गाइज इस बार ब्रेकिंग और ज़्यादा हार्ड थी, तो इस बार चेक करते कितने फुट पे रुकी है, कितने कदम पे। 1, 2, 3, 4 तो गाइज इस बार भी हमने 4 कदम लिए। तो इसको नॉन ABS को रखते हैं साइड में, अब ABS वाले वर्जन से अपना ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। तो इस बार मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेक पुश करे थे, आप लोगों को दिख गया होगा। तो गाड़ी साइड में लगाते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों को BS6 वाले में, तो उसको लगाते हैं साइड में। तो फाइनली गाइस अब हम लोग जा रहे हैं NS 200 BS6 को लेके, और तो देखते हैं इसकी ब्रेकिंग। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा रुकेगी, शायद से 6 से 7 कदम ले लेगी, पर एक बार टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आप लोगों को पता लगेंगे एंड आप लोगों को ABS के फायदे भी दिखाऊंगा मैं आज। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें एंड अभी गाड़ी मोड़ के लाता हूँ, चेक करते हैं। अभी गलती से मेरे को लाइनिंग नहीं दिखी थी, मैंने इस जगह ब्रेकिंग करी तब जाके भाई मैं सोचा इतना लंबा डिस्टेंस कैसे आ गया। तो इस चीज़ को हम दोबारा से करते हैं एंड अपनी बाइक करते हैं थोड़ा सा पीछे खड़ी, ताकि हमें बाइक से थोड़ा बहुत इंडिकेटर पता भी रहे कि लाइनिंग किस जगह है। तो अपने सेंटर को थोड़ा पीछे लगाते हैं अभी।
मुझे लगता है इस बार ऐसे 7 कदम तो लिए होंगे इसने। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाई जो अपने सेंटर ने फर्स्ट वाले परफॉर्मेंस में अचीव करा था 6 कदम, तो इसने भी अभी पहला था इसका, तो 6 कदम इस बार और ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग करने वाले हैं हम, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब ये वाली थोड़ी नॉर्मल ब्रेकिंग थी, अब मैं और ज़्यादा हार्ड करूँगा मतलब पहले के मुकाबले, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल गाड़ी मोड़ते हैं, दोबारा करते हैं। बहुत लंबा डिस्टेंस कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि गाड़ी लंबा डिस्टेंस लेके आई, इस बार बहुत ज़्यादा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बिकॉज वो आप लोगों को पता है ABS गाड़ी वो टायर को लॉक नहीं होने देती, तो उसे थोड़ा लंबा डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए। एंड इन गाड़ियों में ऐसा टायर लॉक हो जाता है, स्टॉप ही लग जाती है, तो आप लोगों को पता है। एंड ABS के अभी आप लोगों को फायदे दिखाऊंगा, तो उसमें तीसरा अटैम्प्ट टेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज आप लोगों को पता है वो थोड़ा आगे जाके रुकेगी, क्योंकि इसका टायर लॉक नहीं हो रहा, तो उसे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए रुकने के लिए। तो अभी आप लोगों को ABS के फायदे दिखाने वाला हूँ, जो कि थोड़ा बहुत अगर रोड पे जैसे कि बजरी बजरी पड़ी हो तो वहाँ पे हमारे ABS क्या कैसा काम करेगा, क्या करता है। तो अभी लोकेशन चेंज करते हैं इसके लिए। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरीके की प्यारी सी लोकेशन पे, आप लोग चेक कर सकते हो। गाइज अभी का सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे ग्रास ग्रास है पूरे एरिया में, तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को ABS और नॉन ABS का डिफरेंस दिखाने वाले हैं कि ABS कैसा परफॉर्म करता है एंड नॉन ABS कैसा। एंड आप लोगों को कभी हाईवेज वगैरह पे ब्रेक लगानी पड़े तो मेरे हिसाब से वहाँ पे नॉन ABS ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ABS के मुकाबले। ABS की परफॉर्मेंस देखिए, टायर लॉक हुआ, फिर अनलॉक करके गाड़ी रुकी। एक बार और मैं थोड़ी और स्पीड में करने वाला हूँ ये चीज़, तो अब सेकंड टाइम वॉच करना। आप लोग ब्रेक की परफॉर्मेंस देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है, मतलब लॉक अनलॉक। अगर कोई बिगनर बैठ रहा है ना बाइक पे, तो अगर वो कभी एकदम से पैनिक सिचुएशन में एकदम से ब्रेक दबा दे, तो उसके लिए कोई रिस्क नहीं होने वाला है, बिकॉज काफ़ी अच्छी कंट्रोल हो रही है बाइक। तो अभी आप लोगों को नॉन ABS भी दिखाऊंगा कि मतलब कैसे स्लिप हो जाएगी, कैसे होगा उसका भी सीन आप लोगों को अभी चेक करवाऊंगा। मतलब ब्रेक मारने के अपने अपने तरीके हैं, जैसे मैं परफेक्ट हूँ तो मैं ABS पे भी वही काम कर दूंगा, नॉन ABS पे भी। पर ABS अभी मैं नॉन ABS आपको ना एकदम से रैंडमली प्रेस करके दिखाऊंगा, एंड एक बार अपने एफर्ट डाल के दिखाऊंगा कि मैं टायर लॉक भी ना होने दूं और गाड़ी रोक के भी दिखा दूं, वो भी मैं चेक करवाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा खतरा है मतलब गिरने का, इसमें टायर लॉक हो जा रहा है एकदम से। एंड टायर लॉक होने के बाद हैंडल ना थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा हो जा रहा है, देखा आपने जैसे टेढ़ा हुआ हैंडल, फिर मैंने ब्रेक रिलीज करे देन उसके बाद दोबारा प्रेस करे, दोबारा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते होंगे मतलब घास पे कैसा फर्क आ चुका है। तो ये फर्क है एक ABS बाइक का और एक नॉन ABS बाइक का। तो फाइनली गाइस आप लोगों ने ABS नॉन ABS का व्लॉग चेक करा होगा, जिसको व्लॉग पसंद आओगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। एंड अब व्लॉग रेगुलर करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा डिले हो चुका है सब कुछ, मैं हर बार बोलता हूँ व्लॉग रेगुलर होंगे बट इस बार सच में रेगुलर होने वाले। तो गाइस अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड मिलते हैं किसी ऐसी व्लॉग में। अगले व्लॉग में मैं NS 200 का एवरेज टेस्ट करने वाला हूँ, एंड अपने सेंटा का भी कि हमारा सेंटा कितना एवरेज दे रहा है, एंड BS6 वाला NS 200 का वर्जन कितना ज्यादा एवरेज निकाल दे रहा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ राइड से, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।